फ्रेंड्स कैसे आप सब, आशा करते हो ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो एक हीरो का मस्ट पॉपुलर बाइक है, जो कि हीरो ग्लैमर, ठीक है, हीरो का मस्ट पॉपुलर बाइक है। तो दोस्तों ये आया है मेरे पास सर्विसिंग के लिए। तो ये भी एक स्विस वेरिएंट है, बेसिक्स है, प्रो गमिनिन FI जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हो फ्रेंड्स। तो चलिए इसका हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, टैंकी उतारने वाले हैं, और किस तरीके से टैंकी उतरा जाता है उसको हम देखने वाले हैं और साथ ही साथ सीखने वाले हैं। क्योंकि बहुत से आफ्टरवर्क मैकेनिक भाई क्या करते हैं, जो टैंकी नहीं खोलते और ऊपर से वॉश करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से इसका जो टैंक होता है ओपन किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों इसका पैनल जरूर खोलना पड़ेगा। चलिए पहले पैनल खोलते हैं दोनों साइड का और टैंक को रिमूव करते हैं। कैसे करना है देखते रहिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को हो सके तो लाइक भी दे दीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो दोनों साइड का पैनल हमने खोल लिया है, साइड पैनल इस साइड भी खोल लिया और इस साइड भी खोल लिया है। जैसे कि देख पा रहे हो बैटरी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और दोस्तों ये जो है टोटल बॉडी पोजीशन देख पा रहे हो, और ECU भी इसके साथ में आता है टोटल बॉडी के साथ में। और ये जैसे कि सेंसर वगैरह लगा हुआ है, और इंजन टेम्परेचर सेंसर वगैरह है, इंजेक्टर वगैरह लगा हुआ है इस साइड में। तो दोस्तों इसका टैंक कैसे खोलना है देखिए फ्रेंड्स, ये जो 12 mm की जो बोल्ट होता है इसको खोलना है पहले, उसके बाद हल्का सा उठाना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इस जगह पे लॉक किया होता है लॉक वगैरह। ये पेट्रोल पाइप है इंजेक्टर का। चलिए उसको खोलते हैं, किस तरीके से खोलना है वो हम दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसे कि देख पा रहे हो टैंक हमने खोल लिया है कुछ इस तरीके से। अब जो है इसके अंदर में क्या है फ्रेंड्स, इसका 3-phase pump होता है, ठीक है। ये 3-phase pump कहा जाता है इसको, जो कि इसका ये सॉकेट खोलना पड़ेगा। सॉकेट को मैंने पहले ये प्रेस करके कुछ इस तरीके से खोल लेता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आ गया। अब 3-phase pump क्यों होता है ये देखिए, ये जो होता है फ्यूल गेज जो दिखाता है ना, फ्यूल इंडिकेटर करता है जो फ्यूल गेज का, ये वो उसका कनेक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी का 3-phase pump है, ये मेन कनेक्शन होता है, 8 का होता है, ECU से आता है, ठीक है। ये सब वगैरह ऑर्डिंग डिटेल्स मैं बाद में बताने वाला हूँ। अब ये क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो कनेक्शन है वो हमने खोल दिया। अब क्या खोलना है इस जगह से मैं दिखाता हूँ वॉश करके बढ़िया से फ्रेंड्स। देखिए ये जो है इसको हमको पेश करना है। देखिए मैं खोलता हूँ कैसे, इस तरीके से फ्रेंड्स बिल्कुल आराम से इसको पेश करके खींचना पड़ेगा, फिर ये आसानी से आ जाएगा फ्रेंड्स। देख पा रहे हो जैसे कि ये आ गया, ठीक है। तो स्प्लेंडर HF डिलक्स का जैसे ही बिल्कुल सेम है, तो कोई परेशानी वाला बात नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे हम, ये जो पेट्रोल पाइप है ना फिर से, ये जो पाइप होता है ये सब गैस पाइप वगैरह होता है ये सब खोल लेंगे, और ये भी खोल लेंगे। खोलने के बाद बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब मैं एक बार वॉश करके दिखा दो फ्रेंड्स बढ़िया से। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो हमने खोल दिया कुछ इस तरीके से सारा, जो ये जो होता है इसको भी खोल दिया हमने, और भी कुछ भी नहीं बचा। चलिए टैंक को बिल्कुल आराम से उतार देते हैं, अब आ जाएगा, कोई परेशानी वाला बात नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। जैसे कि आ गया देख पा रहे हो, और चलिए बाकी ऑर्डिंग डिटेल्स अलग से आएगा फ्रेंड्स। चलिए ये पेट्रोल पाइप है इसका, इंजेक्टर से होके जाता है पेट्रोल पाइप। चलिए और ये सब बैटरी वगैरह लगा हुआ है, फ्यूज बॉक्स है, ये सेल्फ कटआउट है, सेल्फ रिले। चलिए इन कवर वगैरह खोल के वॉश करते हैं बढ़िया से। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद टैंक का ओपन करना आप लोग सीख गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।